डियर फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास 12 के लिए, 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा हम लोग पढ़े थे कि प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ टोटल 6 तरीके का होता है। याद दिलाना चाहते हैं, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ है एसी सर्किट है वो टोटल 6 तरीके के होते हैं, 6 तरह से होते हैं। अब 6 तरह से होते कौन कौन सा है जरा इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला था केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध हो, दूसरा में केवल संधारित्र हो, और तीसरा में केवल प्रेरकत्व हो, और चौथा में एल आर का मतलब प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो, और एक होता है सी आर यानी कि संधारित्र और प्रतिरोध दोनों हो, इसीलिए उसको सी आर बोलते हैं, और एक होता है एल सी आर परिपथ। एल सी आर का मतलब एल मतलब प्रेरकत्व, सी मतलब संधारित्र, और आर का मतलब प्रतिरोध, यानी कि तीनों रहता है उस परिपथ में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं केवल केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ, केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ, यानी कि उस परिपथ में केवल और केवल क्या रहने वाला है, प्रतिरोध रहने वाला है। तो अब उस परिपथ में अगर सिर्फ और सिर्फ केवल प्रतिरोध रहेगा तो हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एरो देंगे और फिर लिखेंगे, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, फर्स्ट एरो देकर माना कि आर ओम का प्रतिरोध, आर ओम कैपिटल आर ओम, आर ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया गया है जिसके कारण तत्कालिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं कि केवल प्रतिरोध युक्त अगर प्रतिरोध परिपथ रहेगा तो हमें क्या क्या बात, क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, सबसे पहला कि एक सोर्स लगाया गया है, एक परिपथ लिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक एसी सर्किट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया हुआ है, एक प्रतिरोध लगाया गया है जो आर ओम का है। ठीक है, और इसमें एक बैटरी जोड़ा गया है जिसको विद्युत वाहक बल बोला गया, विद्युत वाहक बल को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, ये ऐसे सूचित करते हैं, ये विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान हुआ। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को जैसे प्रत्यावर्ती धारा में तत्कालिक मान और शिखर मान में क्या संबंध है, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें हम आपको बताए हुए हैं कि I क्या है, तत्कालिक मान, I नॉट क्या है, साइन I नॉट क्या है, तो शिखर मान है, I नॉट क्या है, शिखर मान, दैट इज साइन ओमेगा टी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो विद्युत वाहक बल का जो तत्कालिक मान है, विद्युत वाहक बल का जो तत्कालिक मान है उसको हम लोग कैपिटल ई से सूचित करते हैं, और जैसे कि धारा का तत्कालिक मान होता है क्या आई, वैसे ही विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान क्या होता है ई,
और इसका फार्मूला होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, सेम वैसे ही इसका फार्मूला होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, जहां ई नोट का मतलब क्या है तो विद्युत वाहक बल का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, शिखर मान। और ई को क्या बोलेंगे, ये है विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे धारा के बारे में कि तत्कालिक धारा क्या होता है और उसका शिखर मान क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि फिगर में सिर्फ और सिर्फ परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, इसीलिए इसका नाम है केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ। इस परिपथ में केवल क्या जुड़ा हुआ है, तो केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा बात करें तो ओम के नियम अगर लगाएंगे, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या बताता है, I is equal to यहां पे क्या भी बाई आर, जहां भी क्या है तो भी है विभव या फिर विभवांतर। ठीक है, यही होता है ना, हम लोग तो पढ़े ओम का नियम। लेकिन यहां अगर निकालेंगे कि इस परिपथ में कितना करंट पास होगा, तो I इज इक्वल टू यहां पे विभवांतर भी है लेकिन यहां पे विद्युत वाहक बल ही विभवांतर के रूप में कार्यशील रहता है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है एक बैटरी के जैसा भी कार्यशील है और एक विभवांतर के जैसा भी कार्यशील है, इसीलिए इसका सूचित हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। तो I इज इक्वल टू भी बाई आर के जगह पे, चूंकि ये तो नॉर्मल परिपथ के लिए है, लेकिन जिसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में चलते हैं तो ये विभवांतर भी है लेकिन यहाँ विभवांतर के रूप में क्या है ई है, तो कैपिटल ई जिसको हम लोग तत्कालिक मान भी बोल सकते हैं और बल्टा इसी ई के जगह पे ई नोट साइन ओमेगा टी रख सकते हैं, तो ई नोट साइन ओमेगा टी बल्टा में आर, हेंस इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ई नोट बटा आर का मान मतलब क्या होता है, ई नोट को अगर आर से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हम लोगों को क्या मिलेगा, आई नोट, इट मीन्स आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये हम लोग पहले से फॉर्मूला भी जानते हैं। तो याद रहे, अगर केवल प्रतिरोध रहेगा जुड़ा हुआ, केवल प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो उसमें हम लोग धारा का तत्कालिक मान भी निकाल सकते हैं। यानी कि इससे दो फार्मूला पता चला, एक विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान दैट इज ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड इसी से एक और प्रूफ हो गया वही चीज जो हम लोग जानते हैं, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहां से केवल प्रतिरोध युक्त वाला जो परिपथ है उसको हम लोग पढ़े हैं। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है केवल संधारित्र युक्त परिपथ। ठीक है, केवल संधारित्र युक्त परिपथ को हम लोग सीखेंगे अब। ये था, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ प्रूफ है और प्रूफ को हम लोगों को पढ़ते चले जाना है। तो ये था केवल प्रतिरोध युक्त, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा रहेगा, प्रतिरोध जुड़ा रहेगा। अब हम लोग आइए चलते हैं अगला टॉपिक्स को देखते हैं, केवल संधारित्र युक्त परिपथ, केवल संधारित्र युक्त परिपथ। ठीक है, अब इसमें हम लोग केवल संधारित्र युक्त परिपथ को पढ़ेंगे कि अगर किसी परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि यहां से आपको पता चल रहा है संधारित्र को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो संधारित्र को ऐसे दिखाते हैं ना किसी परिपथ में,
अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, किसका क्या प्रूफ होगा, तो इसमें भी कुछ बात है, पहले उसको लिख लिया जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट अब देंगे, लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट अब देंगे केवल संधारित्र युक्त परिपथ में फर्स्ट अर्व देकर लिखेंगे किसी संधारित्र से होकर अस्थाई दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, परंतु इससे प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होता है, पूर्णविराम संधारित्र की प्लेटों को दिष्ट धारा के स्रोत से जोड़ने पर संयोजक तारों में क्षणिक धारा प्रवाहित होती है देखिए अब इसमें कैसा फिगर बनने वाला है। हम आपको पहले बचा बता चुके हैं कि इसमें जो बोल रहा है केवल संधारित्र युक्त परिपथ बोल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे परिपथ में सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ने वाला है, संधारित्र युक्त यानी कि ऐसे, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ संधारित्र को जोड़ेंगे और ये तो हम लोगों का EMF है यानी कि विद्युत वाहक बल है, ठीक है, दैट इज ऐसे, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है, तो ये कैपेसिटेंस है यानी कि धारिता है, और ये क्या है, तो ये विद्युत वाहक बल है जिसका ई नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, दैट इज अ विद्युत वाहक बल इस पूरे परिपथ का, और इस परिपथ में जुड़ा हुआ है केवल संधारित्र यानी कि C, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए बात, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पता चलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग लिखने वाले हैं कि यहां से जो इसका धारिता सी है, अब इससे करंट जो पास होगा तो इसमें क्यू आवेश भी गतिशील होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कूलॉम के नियम में कि किसी भी वायर से जब कभी भी धारा का प्रवाह होता है, इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि वहां कहीं ना कहीं आवेश भी गतिशील है, यानी कि जब तक आवेश गतिशील अवस्था में नहीं होगी तब तक धारा प्रवाह नहीं हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स किसी भी परिपथ या तार से होकर अगर करंट पास आउट हो रहा है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आवेश भी गतिशील है, गति की अवस्था में है, ठीक है। तो इसलिए इस फिगर को बनाने के बाद एक और नीचे पॉइंट लिखेंगे, ये फिगर बनाना जरूरी है ताकि ये हमें पता चल सके कि इस परिपथ में केवल क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है, सी है, और संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक पता है ना, फैराड होता है, जैसे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, आपको याद दिलाना चाहते हैं, वैसे ही संधारित्र की जो धारिता है उसका क्या होता है, फैराड होता है ना। चलिए, तो इस फिगर को बनाने के बाद फिर से नीचे एरो देंगे, उसमें लिखेंगे माना कि संधारित्र की धारिता कैपिटल सी है, तथा इसकी पलेटों पर
आवेश का तत्कालिक मान, आवेश का तत्कालिक मान छोटा क्यों है? देखिए आवेश का तत्कालिक मान को छोटा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, जैसे विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान E हुआ, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान I हुआ, शिखर मान I नोट हुआ, वैसे ही अभी हम लोग क्या माने, आवेश का तत्कालिक मान छोटा क्यों है? ठीक है, अतः संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर का तत्कालिक मान, विभवांतर का तत्कालिक मान Q by C होगा। विभवांतर का जो, यानी कि दोनों प्लेट जो यहां पे है ना, यानी कि ये जो दो संधारित्र का प्लेट है, ये दोनों प्लेट पर कितना विभव होगा? तो विभव का फार्मूला हम लोग पढ़े कि जब आवेश में संधारित्र के धारिता से डिवाइड किया जाता है तो भी प्राप्त होता है, विभव प्राप्त होता है। तो यहां पे हम देख पा रहे होंगे कि दोनों प्लेटों के बीच की जो विभव है, विभवांतर है, उसका तात्कालिक मान निकाल कैसे सकते हैं? तो Q को C से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे अब विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान, अब विद्युत वाहक बल में, सॉरी, अब विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान कॉमा उसके नीचे से लिखेंगे कॉमा करने के बाद, अर्थात देखिए किसी भी विद्युत वाहक बल का जो तत्कालिक मान बोल रहे हैं वो क्या होगा तत्कालिक मान? तो टोटल विद्युत वाहक बल का तत्कालिक में से अगर विभवांतर को माइनस कर लिया जाए तो ये हो गया हम लोगों को, देखिए विभव का ये तत्कालिक मान अभी देखे हम लोग क्यू बाई सी है, और याद रखना पड़ेगा कि इस केस में जो विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान है वो कैसे निकलता है? तो ई में से क्यू बाई सी को घटा दिया जाता है, और इसका फार्मूला कितना हो जाता है? आई इंटू आर, यानी कि फार्मूला पढ़े ना, भी बराबर आई आर ओम के नियम से, तो यही काम करेगा भी, यानी कि विभवांतर। विभवांतर का मतलब कि विद्युत वाहक बल का जो तात्कालिक मान है उसमें से विभवांतर का तात्कालिक मान को घटा लेंगे तो टोटल जो बचेगा वो रेस्ट विभी का जैसा बचेगा, इसलिए आई और आर लिखे हैं। तो यहां से और चलिए आप, तो क्या मिलेगा? ई माइनस Q by C is equal to, यहां पे देख पा रहे होंगे चूंकि यहां पे प्रतिरोध लगाया हुआ नहीं है, यहां पे प्रतिरोध लगाया हुआ नहीं है, इसलिए यहां फिगर में लिख दीजिएगा, यहां फिगर में R बराबर जीरो, चूंकि इसमें कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो यहां पे R कितना रहता है? जीरो, तो I गुना में जीरो। तो किसी भी संख्या को अगर जीरो से मल्टीपल करते हैं वो क्या बनता है? जीरो। और इसीलिए अगर माइनस क्यू बाई सी को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ई बराबर क्यू बटा में सी। तो याद रखना पड़ेगा कि संधारित्र के लिए जो हम लोगों का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है? तो क्यू बराबर, ये क्यू बराबर ई इंटू सी, और E का मतलब क्या? E का मतलब E नोट साइन ओमेगा टी। E का मतलब क्या? E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को पता चल गया कि केवल, अतः लिख दीजिएगा, अतः Q बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें केवल संधारित्र युक्त वाले में जो प्रूफ आया है वो क्या है? Q बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। तो आप इन चीजों को, प्रूफ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस किस सिचुएशन में हम लोग क्या क्या का वैल्यू यूज करते हैं और संधारित्र के लिए कौन सा फार्मूला हम लोगों का आ चुका है। तो संधारित्र के लिए क्या आ चुका है? तो Q बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। केवल प्रतिरोध के लिए क्या आ गया? तो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी।
वो तो हम लोग खैर पहले भी इससे भी पढ़े हुए हैं, तत्कालिक मान और शिखर मान में, लेकिन संधारित्र युक्त वाला में आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या प्रूफ हुआ था। तो क्या प्रूफ हुआ था? क्यू बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। तो चलिए हम लोग दूसरे वाले को भी हम लोग खत्म कर दिए हैं, मतलब केवल संधारित्र वाले परिपथ को हम लोग आज पढ़ लिए। तो आज दो तरह का परिपथ पढ़े, एक हो गया आपका केवल प्रतिरोध वाला, केवल संधारित्र वाला, और चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि टोटल छह था उसमें हम लोग अभी हैं तीसरे नंबर पे, केवल प्रतिरोध युक्त हो गया, संधारित्र युक्त हो गया, अब प्रेरकत्व युक्त, प्रेरकत्व युक्त, केवल प्रेरकत्व युक्त परिपथ, ठीक है। अब उस परिपथ में सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा? प्रेरकत्व जुड़ेगा, और पता है ना प्रेरकत्व को हम लोग कैपिटल एल से सूचित करते हैं, प्रेरकत्व को कैपिटल एल से सूचित करते हैं, और उस एल का मतलब हुआ कि प्रेरकत्व और प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी होता है, ठीक है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी, ठीक है। चलिए तो सबसे नीचे, सबसे पहले इसका फर्स्ट एरो लिखा जाए, क्या इसमें हम लोग कुछ मानते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, तो इन चीजों को पहले हम लोग लिखते हैं। लिखा जाए, माना कि माना कि एल प्रेरकत्व तथा एल प्रेरकत्व तथा शून्य प्रतिरोध की एक कुंडली के सिरों के बीच, शून्य प्रतिरोध की एक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया गया है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया गया है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान, विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान ई नोट साइन ओमेगा टी उत्पन्न होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अब इसका जो फिगर बनेगा, तो चलिए इसका आप समझ ही पा रहे होंगे कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो ये रहा आपका परिपथ, इसमें हम लोग प्रेरकत्व को जोड़ रहे हैं, तो यहां पे प्रेरकत्व हो गया, ठीक है, ये प्रेरकत्व हो गया। अब इस प्रेरकत्व में यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे क्या ये जुड़ गया, तो ये जुड़ गया एक ईएमएफ, ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल का तत्कालिक वैल्यू, ये होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया प्रेरकत्व, ठीक है। तो केवल प्रेरकत्व युक्त परिपथ में हम लोग यहां देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है? प्रेरकत्व, इट मींस एल, और इसका जो वैल्यू है ईएमएफ का वो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब ये चीज फिगर हो गया, जरा इसमें हम लोग एक चीज और लिख लेते हैं उसके नीचे। तो लिखा जाए इस फिगर के नीचे, माना कि प्रेरकत्व एल में धारा का तत्कालिक मान कैपिटल आई है,
कैपिटल आई है, अतः अतः प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व का यानी कि एल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल एल इंटू डी आई बटा डी टी होगा। देखिए हर एक सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। अगर केवल प्रेरकत्व युक्त वाले परिपथ में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना होगा कि प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो प्रेरकत्व का जो विद्युत वाहक बल होता है वो एल इंटू डी आई बटा डी टी। अतः या इसलिए जो विद्युत वाहक बल का तत्कालिक वैल्यू होगा, विद्युत वाहक बल का तत्कालिक मान, तत्कालिक मान जो होगा वो क्या होगा, तो E तो टोटल है, अब इसमें प्रेरकत्व कितना है तो माइनस एल डी आई बटा डी टी। अब डी आई बटा डी टी का मतलब क्या है कि सब प्रति एकांक समय में प्रवाहित धारा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो प्रेरकत्व में विद्युत वाहक बल होती है वो एल से मल्टीप्लाई होता है जितना हेनरी, आपको पता है ना प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो एल इंटू डी आई बाई डी टी का इज इक्वल टू कितना होगा, तो आई इंटू आर, भी बराबर आई आर, तो यहां भी पूरा वैल्यू यूज हो रहा है तो यहां हो जाएगा ई नोट माइनस एल इंटू डी आई बटा डी टी। और यहां पर भी कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी कि यहां पर भी R का वैल्यू कितना है, जीरो है, ठीक है। तो यहां पे R का वैल्यू जीरो है इसलिए I गुना जीरो तो जीरो, इसलिए E का वैल्यू कितना तो उधर जाएगा प्लस में, तो L इंटू डी आई बटा में डी टी, ठीक है। E बराबर कितना हो गया तो L इंटू डी आई बटा डी टी, यानी कि विद्युत वाहक बल जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या है, तो डीएल बटा डी टी है। अच्छा हम लोग यहां से एक और चीज काम कर सकते हैं, वो ई के जगह पे फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो ई के जगह पे फार्मूला पुट क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, तो उसके नीचे फिगर बना लीजिएगा, मिटा दे रहे हम। तो इस ई के जगह पे आप क्या लिखिएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बटा डी टी, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम यहां से डीआई का वैल्यू निकाल सकते हैं और डीआई का वैल्यू निकालकर उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जरा वो भी देख लेते हैं कि क्या होता है वैल्यू। तो यहां से अगर नीचे वाला जो डीटी है वो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डीटी और बटा में क्या एल इज इक्वल टू डी आई, ठीक है, होगा ना भाई। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू, डी आई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बटा में एल, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि जो डी आई का वैल्यू आ रहा है यहां से उसको अब आई में बदलने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इट मींस समाकलन करना पड़ेगा। तो जब समाकलन करेंगे तो हम लोग आगे की चीजों को डिसाइड करेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ अगर समाकलन करेंगे तो इधर बनेगा डी आई, इधर बनेगा ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी बटा एल, ठीक है। तो अब जरा इधर लिखते हैं, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा आई, अब ई नोट भी कांस्टेंट है एल भी कांस्टेंट है, तो ई नोट और एल को बाहर निकाल लेंगे तो यहां बनेगा ई नोट बटा एल। अब अंदर में क्या बच जाएगा, तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब जैसा कि आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, वैसे ही इसका भी होता है।
I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल. साइन ओमेगा टी का हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कॉफिशियंट क्या है ओमेगा, तो यहां पे ओमेगा बचता है. तो इस तरीके से हम लोगों का इंटीग्रेशन करके मिलता है माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा. ठीक है, अब हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इधर वाला जो माइनस है यानी यहां वाला जो माइनस है इसको हम राइट साइड लाएंगे बाहर निकालेंगे, तो माइनस ई नोट बाई एल, नीचे वाला ओमेगा को ओमेगा लिख दीजिए और अंदर में बच जाएगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है, अब हम लोग इतना चीज लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं तो फिर से मिटाते हैं. अब क्या होगा तो फिर से ऊपर लिखते हैं आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई एल ओमेगा इंटू कोस नाइट कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए पढ़ते हैं हम लोग. कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. तो हम इसी कॉस थीटा को क्या करने वाले हैं यहां पे तोड़ने वाले हैं. ठीक है, तो जब यहां पे तोड़ेंगे तब वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगा जरा देखते हैं. तो जब यहां से कॉस थीटा को यानी कि कॉस ओमेगा टी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा जरा देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस यानी कि पाई बाई टू माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं माइनस कोस ओमेगा टी है तो माइनस कोस ओमेगा टी है अगर उसको साइन अगर तोड़ते हैं तो हम लोगों को बनेगा कुछ इस तरीके का मामला. मतलब साइन 90 डिग्री और ई नोट बाई एल ओमेगा, यहां पे कोस 90 ठीक तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो यहां पे हम लोग क्या पुट कर लेते हैं कोस थीटा की जगह पे कोस ओमेगा टी है तो यहां होगा कितना साइन पाई बाई टू माइनस कितना ओमेगा टी. ठीक है, ये हो गया ओमेगा टी है यहां पे क्योंकि यहां पे थीटा है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है. अब अगर यहां से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो यहां पे ऐसा बनेगा माइनस ई नोट बट्टा एल ओमेगा साइन के अंदर अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए, साइन के अंदर माइनस कॉमन किया जाए तो यहां क्या बन रहा होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बन रहा होगा ना, अंदर में माइनस कॉमन ले लिए. और हम लोग जानते हैं साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता है वो बाहर निकल जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए यहां पे कॉमन कर लिए. तो यहां पे जब कॉमन कर लिए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस माइनस को जब बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई नोट बाई एल ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो कुल मिलाकर हमें ये वैल्यू मिल चुका है किसके लिए, तो केवल प्रकत्व युक्त के लिए, यानी कि जब भी केवल प्रकत्व युक्त होगा. ठीक है, तो हम लोग यहां पे करंट यानी कि तत्कालिक धारा का इस्तेमाल करेंगे. ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, एल का मतलब प्रकत्व, ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति. ये क्या है कोणीय आवृत्ति. ठीक है, और ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि सब कुछ आपको कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े ये प्रूफ हुआ किसके लिए, केवल प्रकत्व युक्त के लिए, और शुरू में हम लोग पढ़े केवल प्रतिरोध युक्त के लिए, फिर पढ़े केवल संधारित्र युक्त के लिए. तो कुछ हम लोगों को ये प्रूफ है, व्यंजक है, जिसमें हम लोग केवल सिर्फ एक ही चीज को जोड़ रहे थे. उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक्स पढ़ना है वो एलआर है, सीआर है, एलसीआर है. एलआर का मतलब
एक ही परिपथ में प्रेरकत्व भी जोड़ने वाले हैं, प्रतिरोध भी जुड़ा रहेगा, यानी कि दो दो चीज जुड़ा रहेगा, तो हम लोगों को कुछ नया फार्मूला प्राप्त होगा। तो वो हम लोग अगले दिन काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए यही, धन्यवाद।